आपको याद होगा 2019 में माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में बहुत बड़ा रिलीफ दिया था ऑटोज़ को और टैक्सीज़ को, कि उनका जो ईयरली जो 1200 रुपये जो वो दिया करते थे व्हीकल ट्रैकिंग के नाम पर डेम्स को, वो हमने माफ़ किया था। और मैं सभी जितने भी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरविंद माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में आज वो जेल में हैं, लेकिन वहां बैठकर भी वो जो हमारे जितने भी पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं उनके जो वाहन के जो मालिक हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वो ये वाकई में दिखाता है कि किस प्रकार से पूरे गवर्नेंस में वो आज भी इन्वॉल्व्ड हैं और वहाँ जेल में बैठकर भी हर एक व्यक्ति के बारे में वो पूरे दिल्ली वासियों के बारे में सोच रहे हैं। तो लगभग ये 1.5 लाख जो व्हीकल्स हैं, मैंने बताया 2.5 लाख के आसपास अगर हम पूरे पब्लिक सर्विस व्हीकल्स की संख्या माने और ऑटोज़ को और जो हमारी काली पीली टैक्सीज हैं उनको ये रिलीफ पहले ही हम दे चुके थे, तो अगर 1 लाख निकाल दें तो 1.5 लाख व्हीकल ओनर्स को ये जो शुल्क या जो फ़ी कहिए 1200 का, वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। डिम्स के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट कर दिया है और अब पूरा जो ट्रैकिंग वगैरह है वो सारा NIC द्वारा वो मैनेज किया जाएगा। और ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी, मैं जब भी अलग अलग यूनियन से मुलाकात की है तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ के बारे में ये रिक्वेस्ट किया है, सीएम साहब को कितनी बार इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट किया है। तो आज से जो ये ईयरली फ़ी थी 1200 की, इसमें 18% जो है वो टैक्स भी है, तो अगर टैक्स इसमें लगा दें तो ये लगभग 1400 मतलब 1400 रुपये के आसपास ये बनता है। और इसकी बहुत पुरानी डिमांड थी जो कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में ये कदम लिया गया। मैं सभी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के जो ओनर्स हैं मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ।